महादेव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। आपको और आपके परिवार को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय साथियों, शिवलिंग पर भूल कर भी ना चढ़ाएं ये चीजें, वरना भोलेनाथ नाराज भी हो सकते हैं। देवों के देव महादेव के मन को भाने वाला श्रावण महीना 22 जुलाई 2024 से शुरू हो चुका है और इसका समापन सोमवार को ही 19 अगस्त को होगा। इस बार श्रावण मास में 5 सोमवार आ रहे हैं, साथ ही श्रावण की शुरुआत और समापन दोनों ही सोमवार के दिन होने से बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। श्रावण मास में शिव जी की आराधना, साधना और अभिषेक से जीवन में सार्थकता मिलती है और सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ति करने में मदद मिलती है। महादेव को जल चढ़ाने और ओम का जाप करने से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार श्रावण के महीने में शिवलिंग पर गंगा जल, 11 बिल्व पत्र, आक, धतुरा, भांग, बेर, शमी के पत्ते और करेर के पुष्प अर्पित किए जाते हैं ताकि भगवान भोलेनाथ जल्द प्रसन्न हो जाए। वहीं श्रावण मास के किसी भी दिन कुछ पूजा सामग्री है जिन्हें अर्पित नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान शिव जी की पूजा में किन किन चीजों को नहीं चढ़ाना चाहिए। पहला, केतकी को झूठ बोलने के कारण भोलेनाथ शिव जी से श्राप मिला था, तभी से केतकी के पुष्प भगवान शिव जी को नहीं चढ़ते, इसीलिए इस पुष्प को शिवलिंग पर कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। दूसरा, कुमकुम एक श्रृंगार की सामग्री है, जबकि भोलेनाथ शिव जी तो बैरागी है, इसीलिए शिव जी या शिवलिंग पर कुमकुम से ना तो श्रृंगार किया जाता है और ना ही टीका लगाया जाता है। उन्हें हमेशा चंदन या अष्टगंध से टीका लगाना चाहिए। तीसरा, आमतौर पर अपना अधूरा ज्ञान होने से लोग हल्दी का लेप भी शिवलिंग पर कर देते हैं, जो पूरी तरह से वर्जित है, क्योंकि हल्दी भी एक श्रृंगार सामग्री मानी जाती है। चौथा, शिव पूजा में शंख का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि शंखचूड का वध भगवान शिव जी ने किया था और शंख को शंखचूड का ही रूप माना जाता है, इसीलिए शिवलिंग की पूजा में अभिषेक में शंख का प्रयोग नहीं करें। अगला है, नारियल का उपयोग शिवलिंग पर नहीं किया जाता है। नारियल का प्रसाद भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाते हैं और ना ही उसके जल से शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं। अगर आप शिवलिंग पर नारियल को चढ़ाते हैं या उसका अभिषेक करते हैं तो उसे अखंड रूप से चढ़ाकर शिव जी को अर्पित करना चाहिए। अगला है, तुलसी का प्रसाद या तुलसी दल का प्रयोग शिवलिंग में किसी भी रूप में नहीं किया जाता है और ना ही शिवलिंग पर इसे चढ़ाया जाता है, ऐसा करना वर्जित है, क्योंकि तुलसी को भगवान विष्णु जी की पत्नी का दर्जा प्राप्त है, इसीलिए उनका उपयोग शिव जी की पूजा में नहीं करना चाहिए। अगला है, तिल। तिल या तिल से बनी हुई सामग्री को शिव जी की पूजा में कभी भी प्रयोग में नहीं लिया जाता है, पर किसी विशेष स्थिति जैसे मकर संक्रांति या किसी विशेष पूजा के समय तिल का प्रयोग कर सकते हैं, ना करें तो बेहतर है। मेरे प्रिय साथियों, आपको और आपके परिवार को एक बार और श्रावण मास की शुभकामनाएं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। हर हर महादेव। प्रिय साथियों, 22 जुलाई से भोलेनाथ का अति प्रिय श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग मानसिक तनाव से ग्रसित है और मानसिक तनाव चंद्रमा ही देते हैं। भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार की जाए ये आम साधक को नहीं पता होता है, इसके लिए हमने आपके लिए बीड़ा उठाया है और 22 जुलाई के बाद चारों सोमवार पर आपके लिए हमारे जोधपुर के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष रूप से पूजन किया जाएगा, जिसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना भेजनी होगी। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लेंगे, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे, विशेष पूजन करेंगे ताकि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर हर महादेव।